बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि आपने दिन को दिन भी कह दिया और दिवस भी कह दिया, फूल को फूल भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। इनका नाम क्या है बताओ? उत्कर्ष। लेकिन इन्हें घर में बबलू भी कहते हैं, तो बबलू और उत्कर्ष एक ही हो गए ना, हो गए। इनका नाम क्या है? श्याम। तुम्हें घर में क्या कहते हैं? छोटू। इन्हें घर में छोटू भी कहते हैं, तो छोटू और श्याम एक ही हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक समान अर्थ वाले होते हैं। आज जो पर्यायवाची हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समय से संबंधित। कौन से पढ़ेंगे? समय से संबंधित। समय हम कैसे पहचानते हैं? दिन और रात, सुबह और शाम। तो आज हम चार शब्दों के पर्यायवाची सीखेंगे। दिन, दिन को हम क्या कहते हैं? दिवस भी कहते हैं, दिनों कहते हैं और बार भी कहते हैं। कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि बुध का दिन। तो दिन के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? दिवस, दिवार, रात। रात को हम निशा भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं और रजनी भी कहते हैं। सुबह कहते हैं ना, प्रातः सुबह, प्रातः काल को, भोर हो गया, उठ जाओ। तो सुबह को हम प्रातः भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं और सवेरा भी कहते हैं। उसी प्रकार से शाम को आपने सुना है ना, आपके दादाजी कहते संझा हो गई, दिया जला दो, संझा हो गई, दिया जला दो। तो संझा होने का मतलब क्या है? शाम हो गई। तो शाम को हम क्या कहते हैं? साय भी कहते हैं, सांझ भी कहते हैं, हम संध्या भी कहते हैं। तो हमने आपको एक शब्द के तीन तीन पर्यायवाची बताए, आपको ये लिखना भी है और याद भी करना, ठीक है?